धर्मशाला टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में टीम इंडिया का पलड़ा ही भारी नजर आया है। इस दौरान टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 5 बैटर्स ने कम से कम 50 रन बनाए हों। भारत की ओर से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतक ठोका, जबकि देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने 50 लगाया। रोहित शर्मा 103 रन बनाकर, जबकि शुभमन गिल 110 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने इंग्लैंड को पहली पारी में महज 218 रनों पर ही समेट दिया था। इंग्लैंड की ओर से जैक क्राउली ने सबसे ज्यादा 79 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उनके अलावा कोई भी इंग्लिश बैटर 30 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाया था। वहीं भारत की ओर से टॉप 5 बैटर्स ने कम से कम 50 तो ठोका ही। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल ये 4th मौका था जब टॉप 5 बल्लेबाजों ने कम से कम 50 रन बनाए हों। सबसे पहले बार 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में ऐसा हुआ था। भारत ने वह टेस्ट मैच बड़े अंतर से जीता था। तब वीवीएस लक्ष्मण, नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 50 जोड़ का स्कोर बनाया था। इसके बाद 1999 में मोहाली में न्यूजीलैंड के खिलाफ से भारत की ओर से ये कारनामा किया गया था। तब देवांग गांधी, सदागोपन रमेश, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने दूसरी पारी में 50 जोड़ स्कोर बनाए थे। इसके बाद 2009 में श्रीलंका के खिलाफ मुंबई टेस्ट में ये कारनामा हुआ था। तब मुरली विजय, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण ने क्रम से टॉप 5 में बैटिंग करते हुए 50 जोड़ स्कोर बनाए थे। सहवाग ने उस मैच में 293 रन बनाए थे।